मुसलमान नहीं राह का ढेर है, शराबे पोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। अल्लामा इकबाल के बहुत एक लंबी नज़म है, उसमें से दो तीन मिसरे मैं आपके सामने रखा हूँ। तो ये जो कौम हमारी राह का ढेर बन चुकी है, इसके अंदर अभी तक चिंगारी बाकी है ना। ना हो ना उम्मीद इकबाल, इस कश्त वीरा से ज़रा नम हो तो इस मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। तो हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए। हमारे सामने एक पुरउम्मीद रहने की एक वजह मैं आपको देना चाहता हूँ कि प्रकरण का 17वां वीडियो है। ज़मीनी लेवल पर जो गयूर हमारे साथी है, आम जनता है, बागैरत, अभी तक उनके अंदर जो है तो चिंगारी कायम है, बाकी है। ये अलग बात है कि जो नेता पुढ़ारी और अपने आप को बड़ा कहलवाने से ना थकने वाली मंडली की हड्डियाँ हकीकत में ठंडी पड़ चुकी है, खून और गोश्त तो ठंडा पहले ही हो चुका था। खबर मुझे मिली है कि 50 के करीब स्टूडेंट्स ने अपना दाखला स्कूल से निकाल लिया है। मज़ीद और कई स्टूडेंट और उनके पेरेंट जो है जो बागैरत हैं, वो ऐसी जगह से अपने बच्चों के नाम निकालने की तैयारी में लड़ झगड़ कर इन्होंने टीसीआर ली है ना, साल कंटिन्यू फिर भी दरमियान से लिए, ऐसे मेरे तक सूचना है। आप वेरीफाई करना चाहे तो उस स्कूल के हेडमास्टर से, और जहां पर एडमिशन किए जा रहे दूसरी स्कूलों में वहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। एक और बात जो हमें पूरी उम्मीद कर देती है कि शहरी सतह पर एक स्टूडेंट का मुकाबला रखा गया है, और ऐसी खबर मिली कि वो जो आपत्तिजनक स्थल है वहाँ पर प्रोग्राम रखा जाने वाला था, उस स्कूल में रखा जाने वाला था, लेकिन कौम के गयूर बागैरत जो टीचर हजरात है, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है, उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया कि हम उस जगह पर हमारे बच्चों को प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजेंगे। इसलिए मजबूरन इंतज़ामिया कमेटी को अपने जो है तो स्थल वेन्यू चेंज करना पड़ा, अलग अलग जगह करना पड़ रहा है। बहाना ये दे रहे कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसलिए एक जगह नहीं कर सकते, मगर इसमें कुछ सच्चाई मुझे नहीं लगती है। ऑर्गेनाइज़र से, जिम्मेदारान से जब कोई शख्स पूछ परछ कर रहा है, तहकीक करना चाह रहा है इस खबर की कि क्या वाकई उस स्कूल के अंदर प्रोग्राम रखने से कुछ लोगों ने मना किया है, बायकॉट का ऐलान किया है, तो ये लोग चिढ़ जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आपको भी कहीं मिले चौराहे में, होटल में, इनसे पूछो कि इसमें सच्चाई है कि नहीं, और इनका चेहरा देखो, हाँ इनकी बौखलाहट ही आप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। मज़ीद ये बात सामने आ रही है कि प्रोग्राम के दौरान, इनामात की तकसीम के दौरान स्टेज के ऊपर जो स्कूल है ना, जहाँ पर गलत घटना हुई है, पिछले साल हुई थी, अभी फिर से हुई और होते रहती बीच बीच में, तो उसके जिम्मेदारान स्टेज पर दिखाई नहीं देंगे। अगर दिखाई देते हैं, प्रोग्राम छोड़कर जाने तक की बात कही गई है कि अगर इनामात की तकसीम के दौरान स्टेज के ऊपर संस्था जहाँ पर गड़बड़ हुई है, जो स्कूल के जिम्मेदारान हैं, इनमें से कोई भी शख्स अगर स्टेज पर दिखाई देता है तो दूसरी स्कूल्स के पेरेंट्स, टीचर और जिम्मेदारान, स्टूडेंट्स जो है तो लाइव प्रोग्राम का बायकॉट करके वापस चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही उम्मीद की किरण है ना, कि अभी भी जो है तो गैरत बाकी है जनता के अंदर, समाज के अंदर, निचली स्तर के ऊपर, ज़मीनी लेवल के ऊपर अभी भी जो है तो लोग जिंदा हैं। ये अलग बात है कि जो कायदीन है, दानिश्वरान है, वो बिक चुके हैं या उनकी हड्डियां, गोश्त और खून सब कुछ ठंडा पड़ चुका है। मुसलमान नहीं राह का ढेर है, लेकिन वो राह के अंदर अभी भी चिंगारी बाकी है। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए और मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अपने आप को बड़ा कहलवाने वाले अगर सामने नहीं आते तो जनता ने मीटिंग करके अपने एक समिति बनाकर इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।